हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल के सिस्टम अपडेट मालवेयर के बारे में। तो इसमें मैं बताऊंगा सिस्टम अपडेट मालवेयर है क्या, सिस्टम अपडेट मालवेयर आपके मोबाइल तक कैसे पहुंच जाएगा, सिस्टम अपडेट मालवेयर आपके मोबाइल में क्या नुकसान या आपका क्या नुकसान पहुंचा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में। मैं मनु सिंह, आप देख रहे हैं TechGen24। यहाँ पे हम बात करते हैं गेमिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो सिस्टम अपडेट मालवेयर है क्या, जिम्पेरियम नाम की एक कंपनी है जो कि एंड्रॉइड मोबाइल की सिक्योरिटी कंपनी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है। इन्होंने इस वायरस को डिटेक्ट किया है और इन्होंने कहा है कि एंड्रॉइड सिस्टम नाम का एक वायरस है जो कि आपके मोबाइल पे, जैसे आपका अपडेट आता है मोबाइल पे, जब भी एंड्रॉइड का मोबाइल आपका अपडेट होता है तो एक मैसेज आता है आपके पास कि आपका मोबाइल अपडेट होना है, या पॉपअप होगा या ड्रॉप डाउन होता है ऊपर से मोबाइल पे, तो आपको पता चलता है कि सिस्टम अपडेट करना है आपको, मतलब आपका एंड्रॉयड मोबाइल आपको अपडेट करना है। अभी उसमें क्या है कि सपोज करिए कोई फेक मैसेज आपके पास आए जो ड्रॉप डाउन के थ्रू या पॉपअप के थ्रू आपके पास आए और आप उसे डाउनलोड कर लो जबकि वो अपडेट ना हो, एंड्रॉयड अपडेट ना होकर वो वायरस हो। जिम्पेरियम ने उसको नाम दिया है रैट के नाम से, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। मेरे पास और भी टॉपिक थे आज वीडियो बनाने के, बट आई सेलेक्ट दिस क्योंकि मुझे बताना था इस वायरस के बारे में लोगों को। हालांकि इतने ज्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, बट फिर भी जितने लोग को भी मैं ये बता सकूं कि इस समय कोई अपडेट आता है अगर आपके पास, मेक श्योर कि किसी ड्रॉपडाउन पे क्लिक ना करके आप सेटिंग्स में जाके ही अपडेट करें या प्रॉपर प्ले स्टोर से अपडेट लें। जिम्पेरियम का कहना है कि इस वायरस को बनाने में टाइम और एफर्ट दोनों लगा है। टाइम लगा है दैट मीन पैसा भी लगा होगा, एफर्ट, टाइम और एफर्ट लगता है तो दैट मीन पैसा भी लगा होगा, और अगर किसी चीज में कोई पैसा लगा रहा है ना तो उससे वो पैसा निकालेगा जरूर। तो भाई, और कोई ऐसी ये वो नहीं है कि आपको कुछ अपडेट दे रहा है, अच्छी चीज दे रहा है, ये आपको चीट करके ही पैसे निकालेगा, तो दैट मीन ये आपको किसी न किसी तरीके से इस ट्रैप में फंसाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाना जरूर था कि इस तरीके के अपडेट अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सेटिंग्स में जाके या प्रॉपर एंड्रॉयड ऐप से ही अपडेट करो। अभी इससे रिस्क क्या क्या है, इससे रिस्क यह है कि आपके फोटोज जा सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट जा सकता है, आपकी पर्सनल वीडियोज जा सकते हैं, आपका सिक्योरिटी पासवर्ड जा सकते हैं, आपका कैमरा तक एक्सेस कर सकता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि रिमोट एक्सेस ट्रोजन इसका नाम दिया गया इसीलिए कि ये आपके मोबाइल को रिमोटली एक्सेस कर सकेगा। एक तरीके का अपडेट है वायरस की दुनिया में। अभी आप ये सपोज करिए कि आपके पास एक पॉपअप आता है कि आप अपना पेटीएम या गूगल ऐप या कोई भी ऐप आपकी अपडेट मांग रही है और असल में वो अपडेट ना होकर कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके पे डाउनलोड होना चाह रहा है, मतलब कोई मालवेयर है जो आपके मोबाइल पे डाउनलोड होना चाह रहा है और आप उसको अपडेट के लिए क्लिक कर देते हो और वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। और वंस कोई मालवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया ना, उसके बाद आपको कुछ एक्सेस वेक्सेस देने की जरूरत नहीं होती उसको, वो ऑटोमेटिक सब कर लेगा। और जिम्पेरियम का ये भी कहना है कि ये एक लौती ऐप नहीं है जो इस तरीके की है, इस तरीके की और भी एप्स हो सकती हैं, और ऑब्वियसली जब एक चीज है, एक ऐप है ऐसी, तो उस तरीके की और भी ऐप हो ही सकती है। तो मेक श्योर कि इस समय थोड़ा अलर्ट रहा जाए। अभी बताते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हो। देखो, जब भी आपके पास कोई ऐप का अपडेट आए तो या तो आप ऐप स्टोर पे जाओ, मतलब एंड्रॉयड ऐप स्टोर या जिस ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर रहे हो तो उस ऐप स्टोर पर जाओ और चेक करो कि क्या वो वही अपडेट है जो अपडेट मांग रहा है मोबाइल या एक्सेस जो मांग रहा है, तो ही आप उसे अपडेट करो। दूसरी चीज, आप अनऑथराइज्ड एप्स उसे डाउनलोड मत करो। दूसरी चीज, अपने मोबाइल को एक बार सर्च कर लो, उस पर अगर कोई ऐसी ऐप है जो कि आप नहीं यूज करते हो उसे अनइंस्टॉल कर दो, उसका कोई जरूरत नहीं है आपके मोबाइल में। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हो, इफ पॉसिबल आपके लिए, जो कि एंटीवायरस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज कर सकते हो तो उसे परचेज कर लो, स्कैन कर दो मोबाइल, तो भी आप बच सकते हो इन सब चीजों से। तो वायरस से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि अलर्ट रहा जाए जब भी कोई अपडेट किया जाए या कोई डाउनलोड किया जाए तो। बाकी अगर आपको वायरस से लेकर कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछना, मैं बताने की कोशिश करूंगा आगे के वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं वायरस पे एक दो वीडियो और बनाऊं, जैसे कि अगर आपके मोबाइल में वायरस आ जाए तो आप कैसे पता करें कि आपके मोबाइल में वायरस है या नहीं, और मोबाइल पे वायरस पे और थोड़ा डिटेल में बात की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पुराने वीडियो भी हैं जिसमें मैंने सिक्योरिटी के बारे में बात की है और अच्छी अच्छी कंपनियां किस तरीके से आपका डाटा यूज कर रही है इसके बारे में भी बात की है, उसके बारे में बताया है, तो इन्फॉर्मेटिव है वो सारे वीडियो भी, तो आप वो सब देख सकते हैं जाके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।